नमस्कार, मी वैष्णवी. आपण पाहतात इंडियन टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर नजर टाकूया आजच्या विशेष घडामोडी. भारतीय जनता पार्टी अंबरनाथ शहर गुलाबराव करंजुले पाटील यांच्या प्रेरणेने श्रीमती रोझलिन फर्नांडिस अल्पसंख्याक सेल अध्यक्ष आयोजित भव्य रोजगार शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या रोजगार मेळाव्यामध्ये शैक्षणिक पात्रता ITI SSC ग्रॅज्युएशन पूर्ण असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी या रोजगार शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. तसेच या भव्य रोजगार शिबिराचे उद्घाटन माजी मंत्री प्रदेश सरचिटणीस माननीय रवींद्रजी चव्हाण, तसेच प्रमुख उपस्थिती प्रदेश संयोजक भटके विमुक्ती आघाडी माजी महापौर नरेंद्र पवार, नगर अध्यक्ष अंबरनाथ महानगरपालिका माननीय गुलाब करंजुले पाटील यांच्या हस्ते भव्य रोजगार शिबिराचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच या कार्यक्रमाला RJ अनुराग, मिस नैना कलानी व डॉक्टर संगीता राजपूत, तसेच या कार्यक्रमाला अंबरनाथ शहर भाजपचे अनेक पदाधिकारी मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमाला तरुणांनी देखील मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद देऊन रोजगाराच्या संधीचा लाभ घेतला. द ब्युरो रिपोर्ट, इंडियन टीव्ही न्यूज. आज अंबरनाथ रोटरी सभागृह इथे भव्य असं रोजगार शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं. तर आपल्या सर्वांना माहिती आहे की कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याकरता लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली आणि जूनच्या महिन्यामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला. अनलॉकची देखील घोषणा केंद्र सरकारने केली, पण महाराष्ट्र सरकार म्हणजे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आणि कमी नियोजन असल्यामुळे अनेक कंपन्या बंद पडल्या आणि त्याच्या कंपन्या बंद पडल्याने अनेक तरुण बेरोजगार झाले. आज सुद्धा सगळ्या गोष्टींना लक्षात घे, आमच्या भारतीय पार्टीच्या अल्पसंख्याच्या शहराच्या अध्यक्ष रोज पाडवे यांनी आज चांगले कल्याणकारी उपक्रम इथं राबवले. आज त्यांच्या विचाराने या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कमीत कमी 3 ते 4 हजार लोकांना रोजगार मिळेल या संकल्पनेने त्यांनी या कार्यक्रम इथं राबवले. खरं तर भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने, आमच्या शहराच्या वतीने, सर्व आमदारांच्या वतीने त्यांना धन्यवाद देतो. आता चांगला कार्यक्रम आणि अंबरनाथकरांसाठी किंवा इकडच्या तरुणांकरता मी हा इकडे कार्यक्रम राबवला. पुन्हा एकदा त्यांना धन्यवाद देतो. जय हिंद. अभी कोविड की वजह से बहुत लोगों को काम चला गया, बहुत मिस बहुत लोगों को, वो लोग जॉब मिस हो गए हैं ना, इसलिए हम लोगों ने जॉब सेमिनार रखा. हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि हम कुछ दे दें हमारे समाज को, जो जिसको जॉबलेस हो गए जो ग्रेजुएट्स हैं, तो हम लोग उनको एक सही दिशा मिल जाएगा कि उनको नौकरी मिल जाए. और जो लोग लंबे जो मीटिंग में जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं अमरनाथ, उनको नियर बाय जॉब मिलाने का यह हमारा एक कोशिश है. ओके सर, थैंक यू. अमरनाथ से लेके पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट और पूरे मुंबई से यहाँ पे HRs आए हुए हैं. मजे की बात होती है कि लोग जब जॉब सेमिनार में जाते हैं तो वो पूछते हैं कि हमको जॉब मिलेगा कि नहीं. नैना कालानी जी ने, नैना मैडम ने जो जॉब सेमिनार में कॉपरेशन से उनकी खुद की कंसल्टेंसी में इतने सारे HR यहाँ पर लाए हैं पलक मैडम के साथ मिलके, तो वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि एक एक कैंडिडेट को कई कई सारे जॉब्स मिल रहे हैं. यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो गई कि कैंडिडेट को 10 जॉब एक साथ मिल रहे हैं. अभी उसको डिसाइड करना है कि उसको कौन सी जॉब करनी है. हमने हमारी जिम्मेदारी पूरी की है और ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार रखा गया है और हमने किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज या किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज किसी भी कैंडिडेट से नहीं लिया. उनको नौकरी लगे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, ये हम लोगों की बेसिक थॉट है और बेसिक सोच है. हमारे साथ नैना मैडम यहाँ पर बैठी हुई है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं और उन्होंने बहुत सारी कंपनीज उसमें सब कुछ है, आप उनसे पूछिए और उनके एफर्ट्स की वजह से आज ये चीज पॉसिबल हो सकी है. आइए प्लीज. मॅम, तुम्ही पण ह्या कार्यक्रमामध्ये तुमची उपस्थिती दाखवली आहे, तर तुम्ही सामान्य लोकांना, नोकरी मुलांना, जे पण जे आता कॉलेज गर्ल्स किंवा बॉईज आहेत त्यांना तुम्ही नोकरी देत आहात फ्री ऑफ कॉस्ट या कोरोना काळात, तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? साक्षी, थैंक यू फॉर मुझे अपने टीवी चैनल में इंट्रोड्यूस करने के लिए. मैं पिनाकी कंसल्टेंसी की ओनर हूँ. मैं बहुत टाइम से विमेन के साथ में जुड़ी हुई हूँ. मैं पिंकथॉन ग्रुप करके एक एम्बेसडर ग्रुप में ली थी, जहाँ पर मैं लेडीज को बहुत देखती हूँ जिनको सबको इच्छा है कुछ करने की. इसके थ्रू मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं लोगों को जॉब के लिए हेल्प करूँ. और मेरी रोजलिन मैडम से बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे देखा कि हाँ, यहाँ पे भी बहुत तकलीफ है लोगों को और कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब मिस कर दी और ट्रेन नहीं होने की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है. तो मैंने मेरी फ्रेंड
पलक के साथ में लेके ऐसी कुछ कंपनीज को बुलाया है यहाँ पे जो उनको डेफिनेटली जॉब देगी। उनमें से कुछ कंपनी थे जो मैंने पर्सनली उनके साथ में काम किया, जिनके सीनियर मैनेजर्स आए, जैसे मैक्स लाइफ हुआ, स्टार लाइफ हुआ, इसमें तो एज का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे कि मुझे एज फैक्टर है, हम 40+ हैं, तो उनको भी मैंने यहाँ पे बुलाया है जो उनको लिए एज क्राइटेरिया भी नहीं है। और दूसरे ऐसी बैंक्स भी बुलाई हैं जो 10+ जो यूजुअली 10th वालों के लिए कैंडिडेट्स नहीं चाहिए होते, उनके लिए भी बुलाया है। बहुत सारे वैरायटी ऑफ यहाँ पे कंपनीज बुलाई हैं, एक ये सोच के कि लोगों को कैसे भी जॉब मिले, लोकली हो, थाना तक हो, जैसे लोगों को ट्रैवल नहीं करने पड़े। और इनके आगे हम वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर ट्रेन नहीं चालू होगी तो हम लोग ऐसी कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे जिनसे वो अपने जॉब तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच साक्षी अगेन। थैंक यू मैम। थैंक यू। आवत्या इंडियन टीव्ही न्यूज तुम्हाला आमचे संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाची संपर्क साधू शकतात 9320420420। तर आता वेळ झाली आहे निरोप घेण्याची, उद्या पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी, तोपर्यंत धन्यवाद।